डियर स्टूडेंट्स, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर हम लोग बेटा यही लेसन पढ़ रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और फिनिश भी होने वाला है, कल तक के लेसन फिनिश हो जाएगा। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर लेसन में, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर आर सच टाइप ऑफ डिवाइसेस विच आर यूज फॉर डिटेक्टिंग करेंट एंड मेजरिंग करेंट। ओके बेटा, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर आर सच टाइप ऑफ डिवाइस विच इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोइंग इन टू एनी सर्किट एंड ऑल्सो फॉर मेजरिंग ऑफ एनी करेंट फ्लोइंग इन टू एनी सर्किट। मतलब बेटा, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर ऐसी डिवाइस होती है जो करंट का डिटेक्शन करती है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है नहीं, करंट की पहचान करती है और करंट की मेजरिंग भी करती है। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर कंटेन्स अ कॉयल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न प्लेस्ड इनटू एनी होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑलवेज रिमेन इन रोटेटिंग स्टेट। ड्यू टू नंबर ऑफ इट्स रोटेशन वी कैन कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लोइंग करेंट इन इट। मतलब मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर बेटा में एक ऐसी प्रज्ञान कॉयल होती है जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं वायर के, और ये कॉयल जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होती है और इस पर टार्क्यू लगता है और ये रोटेट होती है। इसका रोटेशन जितना होता है उसी आधार पे हम अमाउंट ऑफ करंट की कैलकुलेशन करते हैं। ओके बेटा, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर आर ऑफ टू टाइप्स, समझा दे रहे बेटा कल वाला। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर आर ऑफ टू टाइप्स, प्यारे बच्चों मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर एंड सेकंड इज कॉल्ड पायवोटेड कॉयल गैल्वेनोमीटर आर यू कैन से वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। मतलब बेटा मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर, निलंबित कुंडली धारा मापी। दूसरा बेटा पायवोटेड कॉयल गैल्वेनोमीटर, किलकित कुंडली धारा मापी या वेस्टर्न टाइप धारा मापी। मतलब वेस्टर्न पश्चिमी आकार का धारा मापी। अब बच्चों, फॉर बोथ टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल कंस्ट्रक्ट प्रिंसिपल एप्लीकेशंस हिस्ट्री कंटेन सेम। मतलब दोनों प्रकार के गैल्वेनोमीटर में प्रिंसिपल सेम होता है, एप्लीकेशन सेम होता है, हिस्ट्री सेम होती है। ठीक है बेटा, बट कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ बोथ टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर डिफर। दोनों प्रकार के गैल्वेनोमीटर में हमको प्रिंसिपल सेम पढ़ने को मिलेगा, कैलकुलेशन सेम पढ़ने को मिलेगा, एप्लीकेशन और हिस्ट्री सेम होती है। केवल बेटा दोनों गैल्वेनोमीटर की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन डिफर होता है। तो हमने बच्चों कल की क्लास में सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर का फिगर बनाया था, कंस्ट्रक्शन बताया था। सीरियल से बताना हो तो कैसे बताओगे, अगर हम हेडिंग डाल दिए सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर तो हिस्ट्री में बताओगे कि दिस टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर कंटेन्स अ कॉयल प्लेस्ड इनटू एनी लार्ज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस कॉयल इज इन रोटेटिंग स्टेट एंड दिस टाइप ऑफ डिवाइस इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ करंट एंड फॉर मेजरिंग ऑफ करंट। फिर उसके बाद बेटा प्रिंसिपल, दोनों का सेम है लेकिन हम पहले का बोल रहे हैं दूसरे में ही बोलेंगे। प्रिंसिपल बेटा, सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, इस तथ्य पर निर्भर है कि दैट व्हेन एनी करंट कैरिंग कॉयल इज प्लेस्ड इनटू एनी होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड देन सम टार्क्यू वर्क्स ऑन द कॉयल एंड कॉयल स्टार्ट रोटेटिंग। तो इस तथ्य पर आधारित है सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर कि जब कोई ऐसी कॉयल जिसमें करंट फ्लो हो रही हो वो रखी जाए किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर टार्क लगता है और इस वजह से कॉयल रोटेट होती है। समझ है बेटा, तो प्रिंसिपल भी हो गया, एप्लीकेशन भी हो गया, हिस्ट्री भी हो गई, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कल बताए थे, फिर भी जान लीजिए जरा।
देयर इज अ एल्युमिनियम फ्रेम, रेक्टेंगुलर एल्युमिनियम फ्रेम ऑन विच अ कॉयल ऑफ कॉपर वायर इज वुंडेड इन मेनी नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब बेटा एक क्या होता है एल्युमिनियम का फ्रेम, रेक्टेंगुलर फ्रेम, जिस पर बेटा क्या होती है कॉयल कॉपर की जो है टर्न इसके बहुत सारे लपेटे होते हैं। एंड आयरन इज प्लेस्ड इन इट एज कोर, कोर के रूप में आयरन इसके अंदर फ्रेम के अंदर रखा होता है। एंड दिस कॉयल इज प्लेस्ड इन बिटवीन अ लार्ज नंबर, लार्ज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई टू पीसेस ऑफ यू शेप मैग्नेट। यू शेप मैग्नेट के दो पीस होते हैं जिनके बीच से जो है लार्ज अमाउंट वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसी फील्ड में ये कॉयल रखी होती है। समझ में आया बेटा? सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर में क्या होती है रेक्टेंगुलर फ्रेम होती है एल्युमिनियम की, जिस पर जो है कॉपर वायर के रूप में कॉयल उंडेड होती है, इसके भीतर आयरन की ओर होती है कोर, और ये चीज जो है यू से मैग्नेट के पीस के बीच में रखी होती है जहां नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड होता है। दिस कॉयल इज सस्पेंडेड विद अ फास्फर ब्रांच स्ट्रिप्स विद द हेल्प ऑफ टॉर्जन मूवेबल हेड। ऊपर जो है एक टॉर्जन मूवेबल हेड होता है, मतलब मरोड़ टोपी जिसमें फास्फर ब्रांच की पत्ती आई होती है और इस पत्ती की सहायता से ये कॉयल मैग्नेटिक फील्ड में लटकती रहती है। याद आया बेटा? देयर इज अ स्मॉल मिरर व्हिच इज अटैच विद स्ट्रिप्स एंड कैन मूव विद द रोटेशन ऑफ स्ट्रिप। यहाँ पर एक मिरर भी लगा होता है स्ट्रिप से जो स्ट्रिप के साथ घूमता है ना बेटा? एट द बॉटम एंड ऑफ कॉयल, कॉयल के निचले हिस्से से देयर इज अ लूज बेल्डिंग स्प्रिंग ऑफ फास्फर ब्रांच विच इज अटैच विद कॉयल, कॉयल से अटैच है जो है क्या होती है बेटा स्प्रिंग लगी होती है। देयर आर टू टर्मिनल्स T1 एंड T2, T1 इज कनेक्टेड विद टॉर्जन मूवेबल कैप व्हाइल T2 इज कनेक्टेड विद स्प्रिंग एंड T1 इज वर्क एज इनपुट टर्मिनल एंड T2 इज वर्क एज आउटपुट टर्मिनल। यही बताया था ना बेटा? एंड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू टर्मिनल T1 इट पासेस फ्रॉम फास्फर ब्रांच स्ट्रिप्स इनटू द कॉयल एंड कॉयल बिकम करंट कैरिंग कॉयल and plays in magnetic field, hence it start rotating due to the help of torque, and there is an indicator which shows the value of deflection of coil with the help of lamp and scale measuring system। याद आया बेटा? और बेटा यहाँ पर जो इसका जो है रोटेशन होता है टारक्यू का, टारक्यू की वैल्यू tau equal NIAB आती है, और अगर यहाँ रिगिडिटी सी हो और जो है डिफ्लेक्शन फाई हो तो सी इक्वल टाउ अपान फाई, टाउ इक्वल सी इंटू फाई, तो टाउ की दो दो वैल्यू आ गई, एक सी फाई आई एक एन आई ए बी, दोनों सेम कर दिए थे, आई इक्वल क्या आ गया था सी अपान एन ए बी ऊपर फाई, ये तो वैल्यू ऑफ करंट हो गई थी। सी अपान एन ए बी इज अ कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड करंट डिफ्लेक्शन कांस्टेंट, और हम इसको बेटा कैसे लिखते हैं तो आई इक्वल के फाई। याद आया बेटा? इतना हो गया कि नहीं बेटा? समझ आ गया? अच्छा बेटा, टुडे वी डिस्कस अबाउट सेकंड टाइप ऑफ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर नेम्ड एज पायवोटेड पॉइंटेड कॉयल गैल्वेनोमीटर और वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। क्या जी?
फॉल्टेड कॉयल गैल्वेनोमीटर, वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर देखो बेटा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, व्हाट्स आर द पाइवेटेड कॉयल गैल्वेनोमीटर एंड या वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। इट इज आल्सो अ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, यह भी एक मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर होता है। प्रिंसिपल एप्लीकेशन हिस्ट्री ऑफ द पाइवेटेड कॉयल गैल्वेनोमीटर इज सेम एज द हिस्ट्री प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर। समझ में आया बेटा? तो इसका भी सब कुछ जो है सेम होता है, सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर का मतलब इसका एप्लीकेशन हम क्या बताएंगे। इट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग अमाउंट ऑफ करेंट फ्लोइंग इन टू एनी सर्किट। इट इज यूज फॉर मेजरिंग अमाउंट ऑफ करेंट फ्लोइंग इन टू एनी सर्किट। समझ एंड दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन एनी करेंट करेंट लूप इज प्लेस्ड इन टू एनी मैग्नेटिक फील्ड इट स्टार्ट रोटेटिंग ड्यू टू टॉर्जन वर्किंग ऑन इट। ठीक है बेटा, समझ आया? Yes, तो अब इसकी फिगर बनी कैसे होती है। देयर इज अ सिलेंड्रिकल यू शेप मैग्नेट इन विच स्ट्रेंथेबल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। मतलब बेटा, यू शेप मैग्नेट के पीसेज होते हैं जो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। देखो, यू-शेप मैग्नेट के बेटा, यू-शेप मैग्नेट के पीसेस हैं, टुकड़े हैं या ना या, और किस शेप में है बेटा? ये सिलेंड्रिकल शेप में है और इनके बीच में बेटा हाई अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड है या हाई अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड। सिलेंड्रिकल शेप दिखने लगा, इट इज एन एंड इट इज ए इन पाइवेटेड कॉयल गैल्वेनोमीटर। There is a large amount of magnetic field produced by pieces of U-shaped magnet which is in cylindrical shape. मतलब बेटा, इस प्रकार के गैल्वेनोमीटर में एक बहुत ज्यादा अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड होता है जो यू शेप मैग्नेट के टुकड़ों द्वारा बना होता है और यू शेप मैग्नेट जो है सिलेंड्रिकल शेप पे होते हैं। ठीक है बेटा, ओके बेटा। There is a cylindrical core. ये क्या है बेटा? It is a cylindrical core of soft iron. It is a cylindrical core of soft iron and is placed in a aluminium frame. And a coil of copper wire is wound into large number of Look here, figure देखो, figure का description ही दिखाए हैं। It is our coil, it is aluminium frame, and it is core. आयरन कोर, ओके बेटा। तो लुक हियर, समझते चलिए बेटा सभी बच्चे। पाइवेटेड कॉयल गैल्वेनोमीटर इज अ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर विच प्रिंसिपल वर्किंग हिस्ट्री एप्लीकेशन आर सेम एज द
एवरीथिंग ऑफ सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर की तरह सब कुछ है इसका। देयर इज अ स्ट्रेंथेबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय पीसेस ऑफ यू शेप मैग्नेट व्हिच इज इन सिलैंडरिकल शेप, ओके, एंड देयर इज अ सिलैंडरिकल आयरन कोर व्हिच इज प्लेस्ड इन अ एल्युमिनियम फ्रेम। ठीक है, एल्युमिनियम फ्रेम में ये कोर रखी होती है एंड अ कॉपर वायर इज वुंडेड इन लार्ज नंबर ऑफ टर्न आयरन कॉइल। ये देखो कॉपर वायर है जो कि जो है एल्युमिनियम की फ्रेम पर लपेटा हुआ है। ठीक है, दिस कॉइल इज स्विंगिंग इन बिटवीन टू पायोटेड, ये फर्स्ट पायोटेड है, पायोटेड मतलब चूल्हा, हम लोग जो है चूल बोल सकते हैं, ये एक पायोटेड है जैसे छत पे लगा होता है, क्लियर बेटा। देयर इज टू स्प्रिंग्स वन इज कनेक्टेड एट द अपर इन द कॉइल एंड अनदर इज कनेक्टेड at the bottom in the of the coil and first spring is connected with terminal T1 and second spring is connected with terminal T2. ऐसे करंट पास होगी बेटा, ऐसे आउट होगी। देयर इज एन इंडिकेटर या पॉइंटर ऑफ एल्युमिनियम व्हिच शोज डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल, घुमाव दिखाता है, एंड व्हिच इज एट अ सर्कुलर मेजरिंग स्केल look like this, it is aluminium pointer, it is your pivoted coil galvanometer or you can say western coil galvanometer। तो dear students एक बार हम और समझा दे रहे बेटा, figure बड़ा मस्त बनाए हैं, ध्यान से देखो, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, ठीक है ना बेटा। Pivoted coil galvanometer, it is also a moving coil galvanometer. It is based on the principle when any current carrying loop is placed into any magnetic field, then it starts rotating due to Coaster Q working on it. ठीक है ना, समझ में आया कि हिंदी में बताए, क्लियर हो गया ना। एंड इट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग करेंट एंड इट इज यूज फॉर मेजरिंग करेंट, इसको करंट डिटेक्ट करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इन द पायोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर देयर इज अ लार्ज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, शक्तिशाली प्रभाव वाला एक मैग्नेटिक फील्ड होता है व्हिच इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ टू इंच या टू पीसेस ऑफ यू शेप मैग्नेट व्हिच इज इन सिलैंडरिकल शेप।
सिलिंड्रिकल शेप में रखे हुए यू शेप मैग्नेट के दो टुकड़ों के मध्य हाई अमाउंट का चुंबकीय क्षेत्र बनाया रहता है। देयर इज अ रेक्टेंगुलर एल्यूमिनियम फ्रेम इन विच सिलिंड्रिकल आयरन कोर इज प्लेस्ड ऑन विच कॉपर वायर इज वुंडेड इन लार्ज नंबर ऑफ टर्न एंड प्रोड्यूस कॉइल। दिस कॉइल इज स्विंगिंग इन बिटवीन टू पायोटेड, ये जो है पायोट है मींस चुल्ला, ओके, एंड देयर आर टू स्प्रिंग्स व्हिच इज अटैच एट द अपर एंड ऑफ कॉइल एंड लोअर एंड ऑफ कॉइल and connected with the terminal T1 and T2. A aluminium pointer is attached with coil and can source deflection of coil and it run at a circular scale. ये run करता है इस scale पर, ठीक बेटा? कोई बोलेगा नहीं, आदित्य पांडे एक बार पढ़ो जरा, तुम फिर से लैंग्वेज आपको समझा दे रहे हैं। देखो बेटा फिगर समझ में आया? हाँ, पढ़ एक बार। यह भी एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। कॉपर वायर की जो है ज्यादा संख्या में टर्न होते हैं जो एल्युमिनियम के फ्रेम पर लपेटी होती है। एंड ऑफ एक्सल ऑफ कॉइल आर इंसर्टेड इन टू पाइवोट, और इस कॉइल के जो है दोनों किनारे दो पाइवोट से अटैच होते हैं, सो दैट कॉइल कैन रोटेट इजीली, जिससे जो है झूल सके, रोटेट हो सके। समझ में आया बेटा? जान भी इसका भी मतलब समझ रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में रखी हुई है कॉइल। द मोशन ऑफ कॉइल कैन बी कंट्रोल्ड बाय टू स्प्रिंग, दो स्प्रिंग से इसका रोटेशन कंट्रोल होता है। देख रहे हो, वन स्प्रिंग इज कनेक्टेड अबव द कॉइल एंड सेकंड इज कनेक्टेड बिलो द कॉइल विद टर्मिनल T1 एंड T2। देख लो, है ना बेटा? An aluminium pointer is attached to its moving part, which moves on circular scale with zero. हाँ, देख लो, ये इंडिकेटर होता है जो जीरो से सर्कुलर स्केल पर मूव करता है। समझ आया बेटा? When current pass, coil will stop due to which it rotates as a result. करंट जब फ्लो होता है, करंट कैरिंग कॉइल हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड में होती है, रोटेट होती है, डिफ्लेक्शन हम मेजर कर लेते हैं, फार्मूला यूज करते हैं I=C/NAB φ और वैल्यू आ जाती है बेटा करंट के। फिर हम लोग अभी पढ़ेंगे बेटा सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब शुद्धता, सुग्राहिता। तो यहाँ पर दो सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है जानवी बेटा? जान लीजिए, सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मीन्स There will be large number of reflection at flowing of small current. नहीं समझे? जो moving coil galvanometer है, अगर उसमें थोड़ी सी भी करंट फ्लो करे और उसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा दिखे, तो इसका मतलब moving coil galvanometer sensitive है। उसको कहा जाता है कि moving coil galvanometer is sensitivity. ठीक है? If any moving coil galvanometer is sensitivity, it means there will be large number of reflection of the coil and the flowing of small amount of current. समझ में बेटा? कोई भी galvanometer, moving coil galvanometer sensitive तब कहलाता है जबकि उसमें थोड़ी सी करंट के फ्लो होने पर बहुत ज्यादा मात्रा में डिफ्लेक्शन हो। देयर आर टू टाइप ऑफ सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। जान लीजिए, हम समझाएंगे नहीं, डायरेक्ट दिखा देंगे। करंट सेंसिटिविटी क्या है सिद्धांत? देखो बेटा, करंट सेंसिटिविटी आई सफिक्स एस इक्वल फाई अपान आई। वोल्टेज सेंसिटिविटी वी एस इक्वल फाई अपान वी। देखो बेटा, बच्चों एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं, जान लीजिए।
If any moving coil galvanometer is says it is sensitive, it means there will be large number of deflection and flowing a small amount of current. कोई भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तब सेंसिटिविटी कहा जाता है जबकि उसमें थोड़ी सी करंट के फ्लो होने पर बहुत ज्यादा मात्रा में रिफ्लेक्शन शो हो. देयर आर टू टाइप ऑफ सेंसिटिविटी. फर्स्ट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी एंड सेकंड इज कॉल्ड वोल्टेज. अब बेटा जान भी डेफिनेशन बना लोगे. करंट सेंसिटिविटी मींस फाई अपॉन आई एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी इज फाई अपॉन ई. चलो इसकी डेफिनेशन बनाओ. टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एट पर यूनिट करंट या फॉर पर यूनिट करंट. नीचे वाले को यूनिट बोल दो. टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी. टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. एक और बात, सेंसिटिविटी शब्द आपको एक जगह में और पढ़ाए थे, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी. तो वहाँ पूछे थे कि सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है. यहाँ भी पूछा जाता है सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जाएगी. लुक हियर, कल फार्मूला पढ़े थे सभी लोग, आई बराबर याद करके बताइए सी अपान एन ए बी आई. नहीं पढ़े थे? अगर हम यहां पूछ कर दें बेटा आई एस बराबर सी फाई अपान एन ए बी तो क्या आ जाएगा? ये यही आ जाएगा ना. ऐसे ही इसमें देखो फाई अपान वी इक्वल आई टू आर, वी इक्वल आई टू आर. यही चीज यहां पर पुट कर दो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगी यानी ए बी अपान सी इन टू आर. समझ में आया बेटा? ये बातें समझ में आई कि नहीं? अब आप बता सकते हो हाउ कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी. लुक हियर, बी कैन इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी बाय इंक्रीजिंग टोटल नंबर ऑफ टर्न, बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कॉइल, बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाय डिक्रीजिंग रिगिडिटी ऑफ मूविंग टॉर्जन हेड. समझ आया बेटा? यहां पर बेटा बी कैन इंक्रीज अमाउंट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी बाय इंक्रीजिंग टोटल नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल, बाय इंक्रीजिंग टोटल एरिया ऑफ द कॉइल, बाय इंक्रीजिंग टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाय डिक्रीजिंग रिगिडिटी ऑफ मूविंग टॉर्जन एंड हेड एंड बाय डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल. समझ में आ गया बेटा? तो अब आप समझ गए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट करंट सेंसिटिविटी. करंट सेंसिटिविटी क्या कहलाती है? ऐसे मैं बता दो चाहे रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल एंड करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, या टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी. We know that I equal C phi upon NAB. When we put it, IS equal NAB upon C. It shows IS proportional N, proportional A, proportional B, inversely proportional C. It means you can increase current sensitivity and by increasing NAB and by decreasing C. Similarly, voltage sensitivity is the ratio of total number of deflection of coil with टोटल वोल्टेज ऑफ द कॉइल. आज यू कैन से टोटल नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड डिफाइंड बाय एनएबी अपॉन सीआर. इट कैन बी इंक्रीज, ये बढ़ाई जा सकती है एन ए या बी का मान बढ़ाकर या सी या आर का मान घटाकर. क्लियर? और अब हम इस लेसन में एक ही हेडिंग पढ़ेंगे, व्हाट इज अमीटर एंड हाउ एनी गैल्वेनोमीटर कैन बी चेंज इन द फॉर्म ऑफ अमीटर, कैन बी चेंज इन द फॉर्म ऑफ वोल्टमीटर. मतलब अमीटर और वोल्टमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्टमीटर के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है बेटा? तो ये समझ आ गया बेटा?
तो हम देख रहे हैं आप लोग।